माहे रमजान के इस पाक महीने में वंजर पट्टी नाका से लेकर एसटी स्टैंड तक होने वाले इस ट्रैफिक पर ऑटो रिक्शा चालक मालक के अध्यक्ष ध्यान दे। भिवंडी शहर में जितने भी ऑटो रिक्शा चालक मालक के अध्यक्ष कार्यकारी अध्यक्ष हैं, उन्हें उनके अधीन चित्र भी चालक मालक है। उनसे एक मीटिंग कर उन्हें समझाना चाहिए कि एसटी स्टैंड पर जो बीच फ्लाईओवर के नीचे खड़े होकर सीटों को भरने का चलन है, उसे उन्हें खत्म करना होगा। जिस तरह से बागे फिरदौस मस्जिद के पास भिवंडी के कई ऑटो वाले रॉन्ग साइड से राजीव गांधी उड़ान पुल का उपयोग करने की कोशिश करते हैं, उससे आए दिन हो रहे ट्रैफिक एक मुख्य वजह बनती चली जा रही है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट ऑटो रिक्शा पर कार्रवाई क्यों नहीं करता? शायद भिवंडी शहर में कई ऐसे रिक्शा चालक मालक संगठन हैं और कहीं ना कहीं उन्हें राजनेताओं का संरक्षण भी प्राप्त है, ये भी एक मुख्य कारण हो सकता है। जरा देखिए इस ऑटो चालक को किस तरह से रॉन्ग साइड से पैसेंजर को भरकर स्वर्गीय राजीव गांधी उड़ान पुल पर जाने की कोशिश कर रहा है। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी के रिपोर्टर ताहिर शेख ने समझाने की कोशिश भी की, लेकिन उल्टा इस ऑटो ड्राइवर ने ताहिर शेख को कहा कि बना लो वीडियो, बना लो, कुछ नहीं होता। अब आप ही बताएं कि इस ऑटो चालक पर कार्रवाई होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए। तो एक्सप्रेस न्यूज हिंदी शहर के उन तमाम ऑटो रिक्शा चालक मालक संघ के अध्यक्ष उपाध्यक्ष से अनुरोध करता है और उन राजनीतिक पार्टियों के नेताओं से भी अनुरोध करता है कि जिन चालक मालक संघ को आपका समर्थन है, अपने अधीन आने वाले जितने भी ऑटो चालक वाले हैं, उनकी एक मीटिंग करके एक एडवाइजरी जारी करें कि कानून का पालन करें, एक अलग लाइन लगाकर पैसेंजर को ऑटो में बिठाएं, जिससे इस माहे रमजान में हो रही ट्रैफिक से रोजेदारों को और एम्बुलेंस चालक को दिक्कतों का सामना न करना पड़े। एक्सप्रेस न्यूज हिंदी पर वीडियो देखने के लिए करें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाना ना भूलें।